मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई मिस नविदा शेख फ्रॉम बृहन मुंबई महानगर पालिका MCGM वर्चुअल क्लास. आई वेलकम ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू अनदर एन इंटरेस्टिंग सेशन. इन टुडेज सेशन वी विल बी लर्निंग समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ साइंस टेक्स्ट बुक. सो लेट्स गेट. Good morning, dear students. I am Ms. Navida Sheikh from MCGM Virtual Class. I welcome all my dear students to another an interesting session. In today's class, we will be continuing with the next part of the chapter that we did last week. We have a video on food preservation, and that we have studied about why it is important to preserve the food, what is the importance, and if you do not preserve the food properly, what it can lead to. Okay, so please go and watch that video in order to understand why food preservation is important and which are the methods that we are going to study in today's video. That is very interesting. So I hope that you will be with us throughout the video, and let's get started with this chapter, food preservation part 2. So it is very important to preserve our food so that you can use it for a longer period of time. As we learned in the previous part, that food is very important for us, and with the help of food you can do various activities. So it is important कि हमारा जो food हम लोगों को मिलता है, हमारे घर पे आता है, तो इसे हम लोग सही तरीके से use करें. ठीक है, जो items को हम लोग preserve कर सकते हैं, means उसे अच्छी तरीके से store करके रख सकते हैं, ताकि हम लोग उसे बाद में भी इस्तेमाल कर सके, like the grains, the pulses that are coming in your houses, if you can store it properly, if you keep it dry, ऐसी जगह पर रखें जहां पर dry हो, वहां पर पानी नहीं लगे उससे, तो वो सारी चीजें अच्छी रहती हैं. ठीक है, सो दिस इज वन काइंड ऑफ प्रिजर्विंग द फूड दैट इज कमिंग इन योर हाउस. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी ऑल्सो लर्न के बॉइलिंग करने से या फिर इसे फ्रिज में रखने से, ठंडा रखने से भी चीजें खराब नहीं होती जल्दी, या इसे कवर करके रखने से. So all these simple things that you are doing in the house is actually food preservation. Okay? So let's understand more about food preservation. So food preservation is a process of slowing down food from becoming bad. Okay? If you cook the food, अभी हम लोग cooked food के बारे में बात कर रहे हैं. अगर ये खाने को अगर हम लोग पकाते हैं और अगर हम लोग इसे किसी भी तरीके से रख देते हैं, if you do not cover it, if you keep it open for a longer time outside, you are not boiling it properly, तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी खराब होएगा. वेयर एज अगर हम लोग यही दूध अगर हमारे पास है, सुबह में हम लोग उसे बॉइल करते हैं, फ्रिज अगर हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सपोज इफ द फ्रिज इज नॉट वर्किंग, सो यू अगेन बॉइल इट इन द इवनिंग, तो इससे क्या होगा, दूध जो खराब होने के चांसेस जल्दी होते हैं ना, दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है. सो इफ यू आर नॉट बॉइलिंग इट अगेन एंड अगेन, यू विल सी दैट द मिल्क इज गेटिंग स्पॉइल्ड. ठीक है, तो अगर हम लोग मिल्क को बॉईल करेंगे या तो अगर हम लोग उसे फ्रिज में रख देंगे, तो फूड का जो प्रोसेस है, खराब होने का जो प्रोसेस है, वो स्लो डाउन हो जाता है और खाना खराब जल्दी नहीं होता. ठीक है, तो अगर हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कर रहे हैं. बिसाइड्स मेकिंग द फूड लास्ट लॉन्गर, प्रिजर्वेशन ऑल्सो प्रिवेंट्स फूड वेस्टेज. अगर हम लोग ये खाने को, जो भी अगर वेजिटेबल्स है अगर हमारे पास, लाइक इफ यू हैव ब्रॉट कॉर्न्स और इफ यू हैव ब्रॉट पीस इन योर हाउस, पीस मतलब जो वटाने मटर जो आते हैं, अगर हम लोग हमारे घर में ज्यादा आते हैं, तो अभी हम लोग वो सारा तो एक साथ नहीं खा सकते, तो वॉट कैन वी डू इज यू कैन स्टोर इट. स्टोर करने से, अगर अच्छी तरीके से हम लोग इसे प्रिजर्व करके स्टोर करते हैं, तो इससे वेस्टेज भी कम होती है ना खाने की. सो यू शुड रिमेम्बर दैट. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज. Food preservation also allows food to be eaten out of season. It gives variety and nutrition to our diet all year round. Like suppose if there is a fruit that you do not get throughout the year, and if you want to eat it, like grapes. ठीक है, grapes, although जो taste उसका, जो grapes का original fruit का होता है, वो नहीं मिलता. But if you store it, if you sun dry it, जो raisins है, जो हम लोग किशमिश बोलते हैं, these are nothing but the grapes. ठीक है, जिसे ड्राई किया गया है और उसे हम लोग साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, अदर देर आर वेरियस फ्रूट्स लाइक कीवी और देर आर फ्यू अदर ऑल्सो, नाउडेज यू गेट ड्राइड टमेटोज ऑल्सो, सन ड्राइड टमेटोज, जिसे यूज किया जा सकता है लेटर ऑन जब भी हम लोगों को जरूरत हो. ठीक है, सो देर आर फ्रूट फूड आइटम्स दैट इज इफ यू वॉन्ट टू ईट इट आउट ऑफ सीजन ऑल्सो, यू कैन प्रिजर्व इट एंड देन यूज इट थ्रू आउट द ईयर.
So freezing, dried or dried food are easy to store and transported because they are light and require less space. अगर कोई चीज़ को हम लोग फ्रीज करते हैं या फिर उसे सन ड्राई करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, बिकॉज उसमें से क्या हो जाता है, पानी निकल जाता है. तो अगर पानी निकल जाएगा, मॉइस्चर निकल जाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसे जल्दी अटैक नहीं करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड मॉइस्चर टू ग्रो. और अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर सही तरीके से ग्रो नहीं होते. ठीक है, सो दे आर ईजी टू ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, ज्यादा टाइम के लिए सेफ भी रहते हैं, खराब नहीं होते और कम जगह लगती है. नाउ रीजंस फॉर स्टोरिंग फूड प्रॉपरली आर, इट मेक्स देम अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. मीन्स इफ यू ईट पिकल्स, हमारे बाजार में बहुत सारे टाइप्स ऑफ पिकल्स मिलते हैं, लाइक आम का मिलता है, मिर्ची का मिलता है, लहसुन का मिलता है, वेजिटेबल्स के मिलते हैं, आंवला का मिलता है, लेमन का मिलता है. Now all these fruits and vegetables that you are eating as a pickle, it is available throughout the year because you are storing it properly. ठीक है, अगर उसे विनेगर में रखते हैं या फिर शुगर सिरप में रखते हैं तो उसे हम लोग साल भर खा सकते हैं. Reason for storing food properly are, it makes it easy for the distribution to distant places in the country. Now suppose अगर हमारे पास milk, सिर्फ milk है liquid form में, उसे ट्रांसपोर्ट करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, एक कंट्री से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. वेराज अगर यही मिल्क पाउडर रहेगा तो मिल्क पाउडर कितने आसानी से ट्रांसफर कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर थ्रू आउट द कंट्री. सो फूड प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर. देर इज अनदर रीजन फॉर स्टोरिंग फूड प्रॉपरली, दैट इज इट रिड्यूसेज द फूड वेस्टेज. It reduces the wastage of food material. As I told you, के अगर हम लोग उसे स्टोर कर देते हैं, अगर हम लोगों को उसे नहीं खाना है और अगर हम लोग उसे स्टोर करते हैं सही तरीके से, या हम लोग उसे फ्रीज कर देते हैं या फिर उसे ड्राई कर देते हैं, तो उसे हम लोग बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़े. ठीक है, फूड गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स और द एक्टिविटी ऑफ फूड एंजाइम्स. The advantages of food preservation are, it saves money and minimizes food wastage. It prevents spreading of food contamination. And not to forget, it keeps us healthy. Food spoilage. It means the original nutritional value, texture, flavor of the food are damaged. And the food becomes unsuitable to eat. Rancidity. When food containing oil and fat comes in contact with the surrounding, oxidation takes place. Due to this, bad smell and change in taste of food may occur. Food poisoning. It refers to the presence of acute illness due to the indigestion of contaminated or spoiled food. It can lead to infectious diarrhea. Contamination. It refers to the presence of harmful chemicals and microorganisms in food which can cause consumer illness. Let us now understand about food preservation methods. By now, up till here, you have understood what is the meaning of food preservation, why do you need it. Now we will be learning about the methods of preservation of food. Okay, so this is very interesting. Let's get started. Now the first method that we are going to start with is drying method of preservation. Now, as I told you that हमारे जो घरों में बहुत सारी चीजें होती है, like garlic powder. Nowadays you get garlic powder, you must have seen ginger powder. Salt बोलते हैं ना हमारे घर में, मम्मी को पूछना salt का powder. Now if you talk about salt, that is nothing but dried ginger. जो अदरक है, अगर बहुत सारी अगर हमारे घर में आ जाती है, यूज सस्ती होती है कभी कभार, ठीक है, तो उसे फेंकने के बजाय if you dry it, sun dry करते हैं उसे, ठीक है, if you keep it in the fridge also, इट ड्राइज आउट. जब वो ड्राई हो जाती है कम्प्लीटली, तो उसे मिक्सर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना दिया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है. दैट कुड बी यूज फॉर मेनी
फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो उसे दैट इज वन ऑफ द वेज ऑफ दैट यू मस्ट हैव सीन ड्राइंग इन योर हाउस, ड्राइंग मेथड फॉर प्रिजर्वेशन इन योर हाउस. The other ways that you must have seen is the red chilies that you get. Red chilies है या फिर हमारे घर में जो दाल आती है. Apart from दाल, you must have seen grains like wheat, rice. इसे भी सुखाया जाता है धोकर. Now you must have seen अगर हम लोगों को आटा चाहिए, ठीक है, गेहूं का या चावल का, तो हम लोग उसे लाते हैं, धोते हैं, फिर उसे सुखाते हैं धूप में. फिर सुखाने के बाद में then you give it for that to make it into flour. Apart from that, red chilies also, जो लाल मिर्ची होती है, इसे भी क्या किया जाता है, इसे भी बाहर धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है और फिर उसे यूज किया जाता है उसका पाउडर को. वो जो मिर्ची है जो सूखी भी होती है लाल मिर्च, यू कैन यूज इट फॉर मेनी मंथ्स ऑल्सो. ठीक है, वो खराब नहीं होती बिकॉज उसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो पूरी तरीके से निकल जाता है. ठीक है, सो सन ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अ वेरी इजी प्रोसेस ऑल्सो. नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, लेट अस अंडरस्टैंड. बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे नीड मॉइस्चर टू ग्रो. मॉइस्चर मीन्स पानी की जरूरत होती है उन्हें ग्रो करने के लिए. और अगर मॉइस्चर अगर हम लोग निकाल देते हैं फूड में से, तो वो फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो सकती. ठीक है, सो सन ड्राइंग की वजह से मॉइस्चर निकल जाता है और उसके वजह से जो चीजें हैं वो खराब नहीं होती. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, पील्ड एंड ड्राइड इन सनलाइट. ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ द फूड मटेरियल इज रिड्यूस्ड टू 5% फ्रॉम 60-70%. ठीक है, तो इससे जो फूड मटेरियल की जो साइज होती है वो भी सूख जाता है ना, तो उसे हम लोग बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं और ज्यादा आइटम थोड़ी सी जगह में स्टोर हो सकता है इजीली. नाउ द एडवांटेजेस आर इट इज लीस एक्सपेंसिव एंड वेरी इफेक्टिव. मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती इससे, अगर सिर्फ हम लोगों को इसे धूप में रखना है अच्छी तरीके से कवर करके, ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर चला जाए सारा, वो चीज़ जो भी हमारा ग्रेन है या फिर पल्सेस है या एनी आइटम दैट यू वांट टू ड्राई, फ्रूट्स ऑल्सो. ठीक है, एज आई टोल्ड यू अबाउट द रेजिन्स, फ्रूट्स को भी अगर हम लोग इसे ड्राई करेंगे अच्छी तरीके से तो उससे हम लोग साल भर यूज कर सकते हैं. इसमें कोई खराबी, कोई चीज की मशीन की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड नेचुरल सनलाइट फॉर इट टू बी ड्राइड. सो ड्राइंग मोस्ट लाइकली द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन अटेम्प्ट्स टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर सो दैट माइक्रोब्स कैनॉट लिव. मॉडर्न मेथड्स इंक्लूड फ्रीज ड्राइंग दैट वी विल बी स्टडिंग अहेड ऑल्सो. The food that can be dehydrated includes meats, vegetables, fruits and milk. हम लोग के घरों में milk powder भी आता है ना, तो that also can be dehydrated. Fruits here you can see raisins, kiwi, pineapple. Then you can see bananas, you can see peach, you can see here you can also see anjeer also. हम लोग के घरों में अंजीर भी दिया जाता है ना हम लोग को, fig. ठीक है, दीज आर ऑल फ्रूट्स दैट हैव बीन सन ड्राइड एंड देन इट कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर. अपार्ट फ्रॉम दैट मीट है, फिशेज है, इसे भी ड्राई किया जाता है ताकि उसे हम लोग साल भर यूज कर सके. ठीक है, सो हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक इंस्टेंट कॉफी, मिल्क पाउडर, करी पाउडर, स्टार फ्रूट्स. दीज आर ऑल fruits and veg food items that have been dried and then it is being used. Here also you can see lot of food is preserved by drying under the sun. Drying removes water from the food. Most bacteria die or become inactive when the food is dried. To fishes wagera ko bhi agar dry kiya jayega to uske andar se jo bhi pani hai, moisture hai fish ka, wo nikal jata hai aur fir use store kiya jata hai in the houses so that it can be used throughout the year. So you must have eaten pastas and maggies that you eat and the papad that you eat in your house. These are all items that have been dried. Theek hai? Nowadays there are various machines also available in order to remove the moisture of the food items.
so that it can be stored also and used for a longer period of time. So here the pasta that you eat or the Maggi that you eat, the papads that you have in your houses, they are all sun-dried, or there are machines which are used in order to remove all the water from that item, and it can be packed and then transported easily to our houses. I hope this video was quite useful and interesting for all my kids, so that in the next coming period we'll be learning something new and interesting. Please see to it that you'll go through the video once again. If you have any doubts and queries, you can ask us the questions in the comment section. We will try and answer it out and clear all your doubts and queries. If possible, please see to it that you'll keep on reading also your textbooks also along with us, so that you remember whatever we have taught you through the videos. I hope this session was quite interesting and useful to all my kids. Please see to it that you all stay at home, stay safe. Till then, thank you. If you like the session, please do not forget to subscribe to our channel so that you can share and view the videos that we had today for you. And please do not forget to hit the bell icon so that you remain updated with all the latest videos that we'll be making for our dear students. This session was quite useful to you. In the next coming period, we'll learn something new and interesting. Till then, thank you.